त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद राज्य के लगभग हर इलाके से तोड़फोड़ और मारपीट की खबरें आ रही हैं। सीपीएम आरोप लगा रही है कि बीजेपी आईपीएफटी कार्यकर्ता हिंसा पर उतारू हो चुके हैं। साउथ त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट के बेलोनिया सब डिवीजन से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई है। यहाँ बुलडोजर की मदद से रूसी क्रांति के नायक व्लादिमीर लेनिन की मूर्ति को ढा दिया गया है। आपको बताएं, इस दौरान भारत माता की जय के नारे भी लगे हैं। त्रिपुरा एसपी के मुताबिक बीजेपी समर्थकों ने बुलडोजर ड्राइवर को शराब पिलाकर इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और बुलडोजर को सीज कर दिया है। एसपी ने यह भी जानकारी दी है कि बीजेपी की जीत के बाद से ही लगातार राज्य के अलग अलग हिस्सों से आगजनी और हिंसा की खबरें आ रही हैं। हालांकि पुलिस अपनी पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इन घटनाओं की संख्या इतनी ज्यादा है कि इसे कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा। मूर्ति तोड़ने पर सीपीएम की प्रतिक्रिया, मूर्ति तोड़ने की घटना पर सीपीएम की प्रतिक्रिया इस तरह आई है कि सीपीएम ने ट्वीट किया कि त्रिपुरा में चुनाव जीतने के बाद हुई हिंसा प्रधानमंत्री के लोकतंत्र पर भरोसे के दावों का मजाक है। ताज़ा खबरों को देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे वेबसाइट समय लाइव पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए और देखिए। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस दिखाएं, लेटेस्ट खबरें दिखाएं, और अगर आपको ये पसंद कुछ आया है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा।